उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने विसपना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल है उनको एक हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेंगे। साथ ही इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगा है। बता दें कि राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग की, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार की मंशा बस्तियों पर कार्रवाई की नहीं है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिये, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है, और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है, और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बस्तियों का नियमितीकरण करना है या उनको जो है हटाना है, इस मामले में भाजपा की कोई नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भाजपा जो है एक और तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेके आई, फिर से जो है एक और अध्यादेश की बात हो रही है, दूसरी ओर जो है आप बस्तियों को नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि निकायों के चुनाव भाजपा ने सिर पे देखे थे, इसीलिए जो है बस्तियों में डर का माहौल बनाने के लिए नोटिस भेजे गए थे। और जिन नोटिसों की तारीख 15 तारीख तक थी, अब वो तो जो है आगे निकल गई है, तो कहीं ना कहीं जो है ये वोट बैंक की और दबाव की राजनीति, और ये बस्ती के लोग भी जानते हैं, जनता भी समझती है। अब जो है बस्तियों को अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनको कहाँ विस्थापित करेंगे, उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है, इस बारे में तो न मंत्री बोल रहे हैं न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं।